हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न, वो भी अपने स्टाइल में। आपने रेस्टोरेंट में या बारबेक्यू नेशन में क्रिस्पी कॉर्न खाया है, और उसी क्रिस्पी कॉर्न को आज हम घर में बनाने जा रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो क्रिस्पी कॉर्न के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म करने रखेंगे। ये हमने इस पैन में 3 से 4 जो कप होता है, कप के मेजरमेंट से 4 कप पानी लिया है। और हमने ये जो कॉर्न के दाने होते हैं, आप कोई भी कॉर्न ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न हो या नॉर्मल कॉर्न हो या फ्रोजन कॉर्न हो, आप कोई भी कॉर्न ले सकते हैं। तो हमने इसमें 2 कप लिया है कॉर्न। कॉर्न के दाने इसमें डाल देंगे और उसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। जो गैस की फ्लेम है एकदम हाई फ्लेम रहेगी, और उसमें हम डाल देते हैं बिल्कुल 1/2 चम्मच सॉल्ट और इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं। चाहे तो आप इसे ढक भी सकती हैं, तो 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। चार से पाँच मिनट तक हमने कॉर्न को पका लिया है। देखिए पानी में अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। हमारे कॉर्न अच्छी तरीके से हो चुके हैं। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें कॉर्न का जो एक्सेस पानी है उसको निकाल देंगे। इसमें कॉर्न का पानी निकल जाएगा और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो कॉर्न है हमने उसे बॉईल कर लिया था। अब हम इसे एक दूसरे पॉट में ट्रांसफर करते हैं और इसका पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच सॉल्ट। ऑलरेडी हम उसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट बॉईल करते समय डाल चुके थे, और उसमें डालते हैं 1 चम्मच, ये बिल्कुल छोटे स्पून से लेना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच इसमें डालेंगे मैदा, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसे डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि इसके ऊपर एक अच्छी सी जो कॉर्न है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। थोड़ा सा इसको हम टॉस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करें तो जो हमारे कॉर्न है एकदम क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके कॉर्न ड्राई लग रहे हैं तो आप उसमें 2 छोटे चम्मच पानी का छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ड्राई है, इससे कोटिंग नहीं हो रहा है, तो हम इस पर हल्का सा पानी सींच देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और हम इसमें थोड़ा सा और 1 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। देखिए हमारे कॉर्न के ऊपर बहुत अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो चुकी है। देखिए हमारे कॉर्न, अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम तेल गर्म करने रखेंगे, और हमें गैस को एकदम हाई फ्लेम पर रखना है, और जो हमारे कॉर्न है, जो हमारे कोटेड कॉर्न है, इसको अब इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न के दाने धीरे धीरे करके डाल देते हैं। एक्स्ट्रा जो स्टार्च है, एक्स्ट्रा जो फ्लोर है, उसको हमें निकाल देना है, और थोड़ा सावधानी से, क्योंकि जो कॉर्न के दाने होते हैं उस पर मॉइस्चर होता है तो वो फट जाते हैं। तो इसलिए ढक्कन के 80% ढक्कन को आप ढक के रखिए, ताकि जो कॉर्न है आपके ऊपर ना चिपके। ये
गैस को बीच में थोड़ी देर के लिए मीडियम कर लीजिए। जब भी आप कॉर्न तले तो बहुत सावधानी से तले, क्योंकि कुछ कुछ कॉर्न फट जाते हैं। अब इस कॉर्न को हम मीडियम आंच पर क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। हमारे जो कॉर्न है इसे हमने कभी मीडियम कभी तेज आंच पर 3 से 4 मिनट तक डीप फ्राई कर लिया है और जो हमारे कॉर्न है बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए एकदम क्रंची क्रंची से हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और जो अब हमारे बच्चे भी कॉर्न है उन्हें भी तल लेते हैं। फ्रेंड जो हमारे कॉर्न है इसे हमने तल लिया है, ये बिल्कुल क्रंची से हो गए हैं। देखिए इसे अगर मैं तोड़ के दबाती हूँ तो देखिए कितने क्रंची से हैं, ये तो एकदम क्रंची से क्रिस्पी से हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर पे चाट मसाला डाल के, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, थोड़ा प्याज डाल के भी इसे धनिया से गार्निश करके ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन हमने इसमें डाला है थोड़ा सा चाइनीज ट्विस्ट, तो हम थोड़ा सा इसे डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। ऐसे तो ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न बनके एकदम तैयार है। तो अब हम लेते हैं एक पैन और पैन में डालते हैं 2 चम्मच ऑयल। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम लेंगे 6 से 7 हमने लिए हैं लहसुन को, बारीक करके लहसुन लिए हमने। इसे हल्का सा भुनेंगे, हमें बस स्टर फ्राई करना है एकदम हल्का सा। इसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा, हमने लिया है ग्रेटेड करके जिंजर डाल दिया इसमें। इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। गैस को अभी हम हाई फ्लेम में रखेंगे। और लिया है हमने एक छोटा प्याज, इसे हमने बारीक काट लिया है। इसे मिक्स कर देंगे और हमने एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और अगर आपके पास में स्प्रिंग अनियन है तो आप उसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा हमें इसका जो कच्चा पैन है उसको हटाना है। ये 2 मिनट तक हमें इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट, हाफ से भी कम डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम कॉर्न में सॉल्ट डाल चुके हैं। और हाफ टी स्पून ही लीजिएगा, हाफ से भी कम लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। और डालेंगे हम 1 चम्मच सोया सॉस। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बस इसे हमें 2 सेकंड पकाना है। अब बारी आती है हमारे कॉर्न डालने की, तो जो हमारे क्रिस्पी कॉर्न है इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये इतने टेस्टी होते हैं कि आपका एक दाना भी इस पैन में नहीं बचेगा। और पार्टी स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा डिश है ये। बस हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही मिक्स होने देंगे ताकि
थोड़ा सा हम इसमें एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे ऐसे ही गर्म गर्म सर्व करेंगे। तो हमारा क्रिस्टाइनिस क्रिस्पी कॉर्न बनके तैयार है। तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे क्रंची से क्रिस्पी कॉर्न, वो भी चाइनीज स्टाइल में, जिसे कि आप बारबेक्यू नेशन और रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय कीजिए।